हाय सुख। हेलो सर। तो आज आपकी पार्टी कहाँ, ओपन में है? यस सर, आज मेरी पार्टी ओपन में है। और जैसे अभी समर भी चल रही है तो मैं आपको मेकअप अकॉर्डिंगली दूँ? या सर, बट प्लीज मुझे केक की मेकअप या वो शाइन वाला मेकअप नहीं चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, जैसे देखो समर है एंड आपका फंक्शन आउटडोर है तो मैं मेकअप बिल्कुल ही नेचुरल रखूँगा, फेस के ऊपर ज़्यादा शाइन ना हो। या और सर, जैसे आपकी ड्रेस है तो हमें ये भी चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि आपकी लुक बड़ी फ्लॉलेस ही हो, कि आप आउटडोर में जाओ तो कोई देख के ये ना कहे कि आपने ओवर मेकअप किया हो, या क्योंकि आप सर। किसी वेडिंग पे नहीं जा रहे हो। ठीक हाँ जी है, सर। तो चलो हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैं इनका मेकअप कैसे कैसे कर रहा हूँ, और उसके मतलब ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे तो आपको पता ही है कि समर में ये आउटडोर जा रहे हैं किसी पार्टी के लिए और ओपन में पार्टी है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने इनके हेड को कवर कर दिया है। समर्स में क्या होता है कि आपके हेयर बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, और जब मैं ड्यूरिंग द मेकअप इनके सर के ऊपर हाथ लगाता जाऊंगा बार बार, तो इनके हेयर में से ऑयल आएगा, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इनके हेयर को पहले कवर कर दिया है। हेयर मेरे डन भी है, मैंने इनमें कर्ल्स डाल दिए, कवर कर दिया जब भी मैं मेकअप करूँ, सो देट मेरे हाथ बार बार स्कैल्प पे जाए बट इनके हेयर को टच ना करे। ठीक है, ये आप प्रिकॉशन ले सकते हो ड्यूरिंग द सेल्फ मेकअप भी, अगर आप अपना मेकअप घर पे भी कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट मेकअप आपको भी होता है कि हाथ ऐसे लगा दिए, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ऑयल जो है वो आ जाता है हेयर के ऊपर। सर, जैसे समर्स में सबको होता है हमारे लेयर्स ना हो फेस पे, या केकी या लेयर ही नहीं होता एक के ऊपर एक लेयर, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। यस, हम वो अवॉइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को कंसिडर करना पड़ेगा, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर स्किन के ऊपर एक्ने है तो मिनिमल मेकअप यूज़ करो, जो लेयर है वो मिनिमल करो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है तो उसमें अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो और लेयर्स दे रहे हो, तो उसमें भी ये टेक्निक होती है कि हम उसको कैसे फ्लॉलेस दिखा सकते हैं। तो वही मैं आज के इनके ऊपर करने वाला हूँ। मैं प्रॉपर मेकअप करूंगा, मेकअप पूरा करूंगा, मैं प्राइमर भी करूंगा, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर सब यूज़ करूंगा, बट जो इनकी स्किन है वो एकदम फ्लॉलेस लगेगी, और आउटडोर जाके ये नहीं लगेगा कि फेस के ऊपर कुछ ज़्यादा अप्लाई किया हुआ हम लोगों ने। तो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। चलो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनके फेस के ऊपर टोनर कर रहा हूँ। टोनिंग करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे, वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखो, आप चाहे घर पे भी मेकअप कर रहे हो तो आप अपनी ड्रेस को कैसे सिक्योर कर सकते हो। मैंने दोनों तरफ पे टिश्यूज़ लगा दिए हैं, आप भी ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर टिश्यू लगे होंगे तो आपकी ड्रेस स्पॉयल नहीं होगी। मीन्स ये नहीं है कि जितना मेकअप आपने खुद के फेस पे लगाया और उतना ही आपने ड्रेस के ऊपर भी लगा लिया। एंड देन मॉइस्चराइजिंग, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली या ड्राई तो नहीं है? ड्राई है सर। ड्राई है, ठीक है। जैसे अगर आपकी स्किन भी ज़्यादा ड्राई हो, वैसे तो देखो ड्राई स्किन एडवांटेज होती है समर के मेकअप के लिए, आप अगर मेकअप अप्लाई भी करते हो तो मतलब मेकअप स्पॉयल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं एंड आपका मेकअप स्टे करता है। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो समर्स में ये नहीं कि अगर ऑयली स्किन है तो हम मेकअप नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे, बट उसके लिए हम प्राइमर जो है वो वैसे से यूज़ करेंगे जो आपकी स्किन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो, मीन्स कंपेटिबल हो स्किन के साथ। मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करने के बाद उसको आप ब्लेंड कर लो, इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर लो। यस, आईज क्लोज कर लो। नॉर्मल स्किन के लिए आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, जैसे फोटो फिनिश है, स्मैश बॉक्स में आता है, इवन फॉरएवर 52 का। अभी जैसे इनकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए एज सच आपको मतलब स्पेसिफिकली कोई वो नहीं है कि ऐसा ही आपने प्राइमर यूज़ करना, अदरवाइज आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, उसकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो तो उसके बाद भी आप मेकअप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबल है या आप मार्केट से बाय करना चाहते हो तो आपने बाय करना है या तो कोई ब्यूटी सीरम, जैसे स्किन सीरम्स होते हैं, आप कोई ऑयल बाय कर सकते हो। ऑयल एंड सीरम बोथ आर सेम, तो दोनों सेम ही होते हैं। बट हाँ, अगर आप सीरम की अमाउंट यूज़ करें वो बहुत ही मिनिमल सी यूज़ करनी है। ये भी नहीं कि अगर स्किन आपकी ड्राई है तो आप ओवर अमाउंट लगाओ, उसके साथ क्या होएगा कि आपकी स्किन करंटली तो बहुत अच्छी दिखेगी
जैसे ये बड़ी ग्लो कर रही है, बट आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा स्टे नहीं करेगा। जब आपको हल्की सी स्वेटिंग हुई तो आपका मेकअप निकलना शुरू हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ आप फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करो। सबसे पहले मैं आईज़ के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आईज़ के ऊपर मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ आई बेस के लिए, एंड देन इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दो। आईज क्लोज रखना। सो सुखप्रीत, शिमर तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ना ही, हाँ, ग्लिटर यूज़ करेंगे। बट मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे आईज़ को बिल्कुल न्यूट्रल रखूँगा, उसमें आपकी जो ड्रेस का कलर है उसका टिंच ऐड करूँगा, सो दैट कि थोड़ी सी ब्राइटनेस भी हमें मिले, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। सो गाइस, ऐसे मेकअप्स थोड़े से चैलेंजिंग भी होते हैं, बट हम चैलेंज लेंगे। मैं इनके लाइनर एरिया के ऊपर जो इनकी ड्रेस है उसके साथ का कलर अप्लाई करूँगा, जस्ट लाइनर एरिया के ऊपर, और इसको मैं थोड़ा सा अपवर्ड्स मर्ज कर दूँगा, क्योंकि मुझे ये कि आईज़ में थोड़ा सा इफेक्ट आए ड्रेस के साथ का। आप भी अगर कोई ऐसी सी ड्रेस डाल रहे हो, वेस्टर्न सी ड्रेस डाल रहे हो, तो उसके साथ का आप आई शेडो यूज़ कर सकते हो, बट एज अ लाइनर। हल्की से आप यहाँ पे शेडिंग दे सकते हो, बट पूरी आई पे यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ क्या आएगा कि वो तो फिर एक फॉर्मल सी लुक बन जाएगी, जैसे आप किसी पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो, तो वो हमें करना ही नहीं है। ऐसे लुक्स में आप लाइनर और लैशेस अवॉइड भी कर सकते हो। मीन्स इन केस अगर आपको यह है कि आपने लाइनर अप्लाई नहीं करना या आप लैशेस भी नहीं अप्लाई करना चाहते, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। अब जो मैंने नेक्स्ट कलर पिक किया है वो बिल्कुल ही लाइट पिंक है, जैसे बेबी पिंक कलर होता है ना, वैसे सा कलर है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है कि मेरी क्लाइंट की जो आईज़ है ना, उसके ऊपर सिर्फ पर्पल कलर का जो ब्लेंडेड लाइनर है वो ही विजिबल हो जा रहा, तो बाकी का मेकअप मैं बिल्कुल ही नेचुरल रख रहा हूँ। एंड सारे के सारे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैट आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ। कलर की इंटेंसिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। बेसिकली क्या है कि आप जब कोई भी कलर डिपॉजिट कर रहे हो, वो कितना इंटेंस डिपॉजिट कर रहे हो, क्योंकि जितना इंटेंस डिपॉजिट करोगे आपकी जो आइज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा डिफाइन लगेंगे। राइट, नेक्स्ट इज हाइलाइटर। अगेन हाइलाइटर भी हम मैट ही यूज करेंगे। हाइलाइटर ब्रश कैसा होना चाहिए? हाइलाइटर ब्रश बड़ा ही प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि अंडर द ब्राउज आपके पास एरिया कितना है, सब क्लाइंट्स के ऊपर एक जैसा नहीं होता है, तो उसे एरिया के अकॉर्डिंगली ब्रश आप राउंड भी यूज़ कर सकते हो और फ्लैट भी यूज़ कर सकते हो। मेरा जो ब्रश है वो बेसिकली राउंड है, तो टैपिंग मोशन में मैं यहाँ पे अप्लाई करता जाऊँगा हाइलाइटर।
चाहिए। बेसिकली मेरे पास मल्टीपल ब्रशेज हैं, मीन्स हर ब्रांड के तीन तीन चार चार आर्टिकल्स हैं, तो वो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, मीन्स आपके हाथ को क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है। क्योंकि मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता, और मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ब्रशेज़ आप एक बार, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रशेज़ के टेक्स्चर्स क्या क्या हैं, तो जो उसकी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप खुद से जाओ, विंडो शॉपिंग करो, या फिर सिफोरा जाओ, शॉप्स पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो कैसी कैसी वैरायटी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली खुद पिक करो। अभी जैसे मेरा आई मेकअप डन हो गया, तो मैं इनके ऊपर लाइनर एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि लाइनर अप्लाई मैं नहीं करूँगा, इवन आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये कोई पार्टी लुक नहीं है, ना ही ब्राइडल लुक है। अभी डायरेक्ट मैं इनके ऊपर मस्कारा एप्लीकेशन करूँगा। मस्कारा मैं दो बार ही अप्लाई करूँगा, पहली बार अभी कर रहा हूँ। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी लैशेस को मैं, जो इनकी लैशेस के ऊपर कलर आ गया है शेडो का, उसको भी क्लीन करूँगा एंड थोड़ा सा थिक भी करूँगा। बट ऑलरेडी इनकी लैशेस काफ़ी अच्छी हैं, तो जब आप डबल कोटिंग करते हो ना, मीन जो मैं बाद में करूँगा, उसके साथ क्या होगा कि इनकी जो लैशेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे, थिक लगेंगी। और अगर आपकी लैशेस ऑलरेडी अच्छी हैं, तो उसमें हम आर्टिफिशियल जो फेक लैशेस हैं वो अवॉइड कर सकते हैं अप्लाई करने से, तो रियल लैशेस के साथ भी आप अपने लुक कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी देखा होगा, या एज अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप इस चीज़ को फेस करते होगे कि आपके पास लोग आते हैं, वो कहते हैं क्लाइंट कि हमें तो आलिया जैसी लुक चाहिए, आलिया भट्ट जैसी लुक चाहिए, न्यूड चाहिए, नो लैशेस लुक चाहिए, तो वो हम ऐसे क्रिएट करते हैं। लैशेस को हम कर्ल करेंगे कलर के साथ, लुक सामने देखना, कलर बड़े ही ध्यान से यूज़ करना अगर आपका हाथ बैठा हो तो, अदरवाइज आप अवॉइड करो, क्योंकि इसके साथ क्या है कि अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपकी क्लाइंट के जो लैश हेयर हैं वो पुल कर दोगे। आप ऊपर देखना हल्का सा ऊपर, ब्राउज को भी हम बहुत ही क्लियर और नेचुरल रखेंगे। जैसे कि मैंने इनकी दूसरी साइड का ब्राउ डन कर दिया, तो वैसा सा ही इस तरफ भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ब्राउज भी ऐसे डार्क नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही एकदम से आउटस्टैंड करें। मीन जैसे आईज न्यूट्रल हैं तो ब्राउज शुड भी न्यूट्रल अगेन। तो आप ब्राउ ब्रश के साथ अपने जो हेयर की डायरेक्शन है उसमें सॉफ्ट स्ट्रोक देने, जैसे भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट की ग्रोथ सबकी ऐसी स्ट्रेट होती है, अपवर्ड्स होती है, एंड जैसे जैसे हेयर ग्रोथ आपकी घूमती है तो वैसे वैसे आपका ब्रश भी घूम जाएगा। एंड आग से हम एकदम स्ट्रॉन्ग, मीन्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एकदम, इन द सेंस कि थोड़ा फिल कर देंगे, सो दैट कि आईज को शेप भी मिले। हम मोस्टली देखते हैं कि देखो जैसे आजकल ब्राउज चलते हैं, ठीक है कि नहीं, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड दिखता है, बट अगेन वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपके या आपके क्लाइंट की हेयर ग्रोथ कैसी है। अभी जो ये मेरे क्लाइंट है, इनके ऑलरेडी ब्राउज हुए हुए हैं, मीन्स जो ब्राउ के हेयर की लेंथ है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो बट उसमें ही मैंने इनको नेचुरल ही फिलिंग दी है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी फ्रंट से हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उनको जेल ब्राउ फिलर के साथ भी फिल कर सकते हो, बट मैं इनके वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, बट उनको थोड़ा सा नेचुरल ही रख रहा हूँ, क्योंकि हेयर ग्रोथ है वो जो ज़्यादा डेंस नहीं है। सामने देखिए, अभी जैसे काजल ऑप्शनल है, मैंने इनकी आईज में काजल फिल किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी लुक कंप्लीट नहीं होगी काजल के बिना, अदरवाइज अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, इनकी स्किन जैसे ड्राई है, तो ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं
सीरम यूज़ कर रहा हूँ, फेस सीरम। आप इसको हैंड्स के साथ अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो पूरे फेस के ऊपर। देखो मैंने कितनी थोड़ी सी अमाउंट ली है, बट उसको पूरे फेस के ऊपर ही मैंने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा उसके साथ स्किन एक बार ही तो ग्लोई ग्लोई सी भी हो जाएगी, आपका मेकअप भी स्मूथ हो जाएगा, बट आफ्टर फ्यू आवर्स वो जो मेकअप है वो निकलना भी शुरू हो जाएगा। स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके देन आप कंसीलिंग एंड फाउंडेशन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल हल्का हल्का सा आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। अगर देखो आपकी डे लुक्स होती हैं जैसे मतलब कैजुअल लुक्स है, तो उसमें आप मिनिमल से कंसीलर अप्लाई करो, फुल फेस के ऊपर अप्लाई करके डायरेक्ट उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। आपको फाउंडेशन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप कंसीलर के साथ भी कवरेज दे सकते हो। अभी जैसे आप देखो मैंने जस्ट कंसीलर अप्लाई किया है और कवरेज कितनी अच्छी है। हाई पॉइंट्स के ऊपर मोस्टली हम लोग अप्लाई करते हैं, हाई पॉइंट्स मैंने इसलिए अप्लाई किए क्योंकि इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाला हूँ। क्या हमें करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत है? नहीं, करेक्टर आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसके साथ इनकी जैसे स्किन के ऊपर भी ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है। अगर किसी की स्किन के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन होती है, ब्लेमिशेस होते हैं या कोई मार्क्स होते हैं, उसके लिए हम करेक्टर यूज़ करते हैं। फिर देखना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम डायरेक्ट कंसीलर एंड देन फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पूरी तरह से इवन आउट करके फिक्स कर दूंगा। मैं इन पे फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम किको। किको का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेट करता है स्किन को एंड फुल कवरेज देता है, बट ज़्यादा किकी भी नहीं होता। आप अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो, ट्राई ज़रूर करना। किको काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इवन इसके फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, अमेजिंग। फाउंडेशन मैंने बहुत ही मिनिमल सा यूज़ किया था, आप स्कैटर्ड भी कर सकते हो बिल्कुल ही, जैसे फिंगर टिप के ऊपर लेके और उसको अच्छे से बस ब्लेंड करना आपने, क्योंकि डे में अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करोगे वो बहुत ज़्यादा विजिबल होएगा, अगर आप सन में जा रहे हो तो वहाँ पे वो थोड़ा सा केके भी लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मिनिमल सा लो, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो देखो हम ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करें, फिर उसको उतना ज़्यादा ब्लेंड करें, फिर आपकी कंजम्पशन भी इतनी ज़्यादा होगी तो आपका फिर वो न्यू फाउंडेशन बाय करने का भी टाइम जल्दी पास आ जाता है। तो वाई टू यूज़ फाउंडेशन इतना ज़्यादा जबकि वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो देखना सी ड्राई स्किन है बट फाउंडेशन कितने अच्छे से फिक्स हो रहा है इनकी स्किन के ऊपर, क्योंकि जब मैंने पहले कंसीलर एप्लीकेशन करी है वो तो फ्रीज हो रहा था, जैसे ड्राई स्किन के ऊपर मोस्टली फ्रीज हो जाता है कंसीलर या फाउंडेशन, बट किको का फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा ही हाइड्रेटिंग सा फाउंडेशन है, तो स्किन को बड़ी फ्लॉलेस सी एंड ग्लोई ग्लोई सी लुक देगा। नेक्स्ट स्टेप इज अगेन ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। स्किन को फ्लॉलेस लुक देने के लिए मैं जेल बेस्ड ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ,
आप पाउडर भी कर सकते हो जेल बेस के साथ। ये होता है कि एकदम आपको ये स्किन की ही फील देगा, जैसे ग्लास स्किन मेकअप होता है ना वैसा सा ही फील आपको आएगा। बट अगर आप जेल बेस ब्लशर यूज़ करना चाहते हो तो वो आपको पाउडर करने से पहले ही यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर एक बार ही आपने फाउंडेशन को लॉक कर दिया पाउडर के साथ तो आपका जो ब्लशर है वो अच्छे से फिक्स नहीं होएगा, वो पैची पैची सा हो जाएगा। कुछ लोग ये भी करते हैं, जैसे आपने डायरेक्ट आई मेकअप किया, आई शेडोज एप्लीकेशन की एंड स्किन ऑलरेडी आपकी फ्लॉलेस है ही है, डायरेक्ट ब्लशर कर सकते हैं आप। जेल बेस्ड जो ब्लशर्स होते हैं, इवन क्रीमी ब्लशर जो होते हैं, लिक्विड ब्लशर, ये सारे वैसे तो सेम है बट ये लुक बड़ी अच्छी देते हैं, बड़ी ग्लोइंग ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस फेस के ऊपर लुक देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी स्किन वैसे ही ब्लश कर रही है, मतलब एकदम पिंक पिंक सा कर देगा। पाउडर के साथ हम पूरे बेस को लॉक कर देंगे एंड आपका जो ब्लशर है वो भी लॉक हो जाएगा एकदम। अंडर आई में स्मॉल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जैसे एरिया बहुत छोटा सा होता है एंड आपको ये भी अवॉइड करना होता है कि आईज में न जाए आपका ब्लश, सॉरी पाउडर। आईज क्लोज करना, यस, एंड देन उसके बाद आप डायरेक्ट बड़े ब्रश के साथ फुल फेस जल्दी जल्दी से कवर कर लो। हमने सारी आईज मैट रखी हैं जैसे आप देख ही रहे हो, बट आईज में मुझे कि थोड़ा सा हल्का सा ब्लिंक ऐड हो जाए तो उसके लिए मैं सिर्फ फ्रंट जो कॉर्नर है जहाँ पे आप हमेशा हाइलाइटर यूज़ करके वहाँ पे मैं ड्रेस के कलर का ही एक शिमर ऐड कर रहा हूँ जिसके साथ आईज में थोड़ी सी ब्लिंकिनेस आएगी। जस्ट सी, बिल्कुल ही मिनिमल सा करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि इतना सा ब्लिंक तो चलता है भाई, और गर्ल्स के मामले में तो आईज पे ब्लिंक इफेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, गर्ल्स को भी अच्छा लगता है। तो उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए मैंने सिर्फ सामने जो है वो हल्का सा ब्लिंक ऐड कर दिया। आईज ओपन करना, अभी आप देख सकते हो कि जैसे लैशेस के साथ लुक कितनी चेंज हो गई है। बहुत ही मिनिमल से मतलब हमने लुक रखी है, ज़्यादा इंटेंस नहीं करी है बट स्टिल। तो अगेन जैसे मैंने बोला था, योर चॉइस, आप लैशेस के साथ भी कैरी कर सकते हो लुक को और विदाउट लैशेस भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप सेल्फ कर रहे हो और आपको लैशेस अप्लाई करने आते हैं तो ही आप ये एप्लीकेशन करें, अदरवाइज आप थिक मस्कारा कर सकते हो। मस्कारा को आप डबल लेयर में यूज कर सकते हो तो आपके लैशेज जो है वो ऑलरेडी अगर थिन भी होएंगी तो वो थिक हो जाएंगी, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। यस, अभी जैसे इनका फेस पूरा डन हो गया, सारा फेस हमने कर लिया, अब सिर्फ इनके जो है वो लिप्स रह गया। तो लिप्स के ऊपर आजकल जैसे ग्लॉस काफ़ी चल रहा है एंड ग्लॉस के साथ साथ ओम्ब्रे इफेक्ट। ओम्ब्रे इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जिसमें लिप्स की जो आउटलाइन है उसको हम डार्क रखते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड जो इनर है उसको हम ग्लॉस के साथ फिल कर देते हैं, तो उसके साथ बड़ी ही ग्लैमरस सी लुक आती है एंड आपके लिप्स भी बोल्ड लगते हैं। आप वो चीज़ पेंसिल्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो और अदरवाइज आप मैट लिपर के साथ भी कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैट लिपर यूज़ कर रहा हूँ विथ फाइन ब्रश। तो इसमें आपने करना बेसिकली क्या है कि आपने लिप्स को आउटलाइन देनी है, तो आउटलाइन देके इनर कॉर्नर में हमने सिर्फ फिलिंग कर देनी है। तो अभी आप जस्ट मुझे वॉच करो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लिप्स को आउटलाइन कर लिया है, आउटलाइन किया बट थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया है लिप्स को सो दैट कि वो ज़्यादा पाउटी दिखे, मीन्स अच्छे दिखे। अब हम इसके अंदर ग्लॉस फिल कर रहे हैं लिप्स ओपन करना। अब कोई भी लिप शेड के साथ एज पर योर ड्रेस लुक क्रिएट कर सकते हैं। मिक्स करना इसको, बस अभी इसकी फिक्सिंग है, जो फिक्सिंग है वो आपको थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरा ये कलर है ये मिक्स हो जाए।
अभी जैसे हमारी लुक कंप्लीट हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिप पर हमने ग्लॉसी रखा है, फेस को मैट रखा है, बहुत ही फ्लॉलेस सी लुक आ रही है, कंसीलिंग वगैरह प्रॉपर किया है। बट एक छोटी सी चीज़ अभी हमने इनके हेयर ओपन करने हैं। हम मोस्टली देखते हैं ना, मतलब यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हैक्स आते हैं कि आप अपने वेट हेयर को ऐसे ट्विस्ट कर लो, ट्विस्ट करके आप उनको रखो और ड्राई कर लो, उसके साथ मैसी कर्ल्स आ जाते हैं। तो अभी इन पे मैंने वैसे पहले हेयर प्रेप कर लिए थे, तो प्रेप करके मैंने हेयर को वैसे ट्विस्ट कर दिया। तो अब हम इनको ओपन करेंगे, एंड ओपन करके आप देखना कि इनके ऊपर वो रिजल्ट आया या नहीं आया। तो ये देखो, हेयर के ऊपर एकदम सॉफ्ट से जैसे कर्ल हो गए। आप इनको ओपन करो, आपको वेव्स की फॉर्म में जो कर्ल्स हैं वो मिलेंगे। सी जैसे आपको होता है कि डे में किसी पार्टी पे जाना है हम लोगों को, तो बट ये है कि मिनिमल सा मेकअप हो, हेयर भी थोड़े मतलब मैसी मैसी से हो, तो उसके साथ थोड़ी सी ग्लैम सी लुक आती है। एंड वही चीज़ हमने इनके ऊपर यहाँ पे क्रिएट की है। तो हेयर को अच्छे से ओपन करने के बाद आप इनको बोथ साइड से आगे भी रख सकते हैं, एंड आप बैक पे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज वन साइड आगे एंड वन साइड बैक पे भी कर सकते हैं, इधर दिस और दिस से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आप कैसे हेयर को लाइक करते हो। तो बट जो मुझे पसंद आ रहा है वो इनके ऊपर मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक बड़ी ही कैजुअल सी, सॉफ्ट सी बट ग्लैमरस लुक। तो गाइस, आपको ये लुक कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।